हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 3, नो मोर अबाउट एमएस वर्ड 2010। इसमें हम जानेंगे क्रिएटिंग ए न्यू ब्लैक डॉक्यूमेंट, इंसर्टिंग टेक्स्ट, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट एंड एग्जिस्टिंग एमएस वर्ड। वर्ड फाइल्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड में जो फाइल होती है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। वर्ड इज अ प्रोग्राम डैट हेल्प्स यू टू टाइप डॉक्यूमेंट्स ऑन अ कंप्यूटर्स। वर्ड्स एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। विथ दिस प्रोग्राम यू कैन राइट एसे, लेटर, पोएम एंड एड पिक्चर्स। इस प्रोग्राम में आप लेटर लिख सकते हैं, एसे, पोएम एंड पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, विच मेक अ डॉक्यूमेंट इफेक्टिव, और अपने डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव, प्रभावशाली बना सकते हैं। द डॉक्यूमेंट यू क्रिएट कैन ऑल्सो बी सेव एंड प्रिंटेड। साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट को जिसे आपने क्रिएट किया है उसको सेव भी कर सकते हैं और साथ में उसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। Before doing this, we have to create a document first. Before doing this, ये करने से पहले चलिए हम सबसे पहले document create करना सीखते हैं। Creating a new blank document. New blank document कैसे create करना है अब हम ये जानेंगे। When beginning a new document in Word, you will often want to start with a new blank document. जब आप न्यू डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में स्टार्ट करेंगे तो यू विल ऑफन वांट टू स्टार्ट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाएंगे। फॉर क्रिएटिंग न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फॉलो दिस स्टेप को हम फॉलो करेंगे। नंबर वन, क्लिक द फाइल टैब। सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। सेकेंड, सेलेक्ट न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड थर्ड, सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट अंडर अवेलेबल टेम्पलेट। और लास्ट में हम थर्ड ऑप्शन में इस पर क्लिक करेंगे और देन क्लिक क्रिएट। और फिर लास्ट में हम किस पर क्लिक करेंगे? क्रिएट। यानी सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, फाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर हम न्यू पर क्लिक करेंगे, देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड लास्ट क्रिएट। A new blank document appears in Word problem। और इस प्रकार हम क्रिएट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार के न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। इंसर्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को इंसर्ट करना। इज इट एन इंसर्टिंग पॉइंट और वी कॉल इट कर्सर। फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम इंसर्टिंग पॉइंट पर जाएंगे या कर्सर हमारा जहाँ पर रहेगा वहाँ से हम टाइपिंग अपने डॉक्यूमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। फॉलो दीज स्टेप। इसके लिए निम्न स्टेप पर हम ध्यान देंगे। नंबर वन, पॉइंट द कर्सर वेयर यू वांट टू टाइप। जहां पर हम टाइप करना चाहते हैं सबसे पहले हम कर्सर को वहां पर क्लिक करेंगे। सेकंड, प्रेस द की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड टाइप। एंड देन हम कीबोर्ड से की को प्रेस करते हुए टाइप शुरू करेंगे। एंटर की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इन योर डॉक्यूमेंट। एंटर की का यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट में न्यू लाइन पर जाने के लिए करते हैं। हेलो माय नेम इज शनी। प्रेस एंटर की। जैसे हमने ऊपर में लिखा हेलो माय नेम इज शनी, फिर हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना है तो हम एंटर की प्रेस करेंगे एंड टाइप द टेक्स्ट आई एम स्टडी इन क्लास 3। और फिर हम आई स्टडी इन क्लास 3 लिख सकते हैं। सेविंग डॉक्यूमेंट। वी टेक्स्ट वी टाइप मस्ट वी सेव फॉर फर्दर यूज़। जिस टेक्स्ट को हमने टाइप किया है उसको आगे यूज़ के लिए हम सेव कर सकते हैं। टू सेव डॉक्यूमेंट फॉलो दिज स्टेप। सेव डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम निम्न स्टेप को फॉलो करेंगे। नंबर वन, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सेकेंड, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। फिर हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव एज बॉक्स ओपन हो जाएगा। टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन फाइल नेम। फिर फाइल नेम में हम अपना
फाइल का नाम लिखेंगे एंड क्लिक द सेव डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम सेव डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये फाइल नेम में के ऑप्शन की जगह पर हम अपना नाम लिखेंगे और सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ओपनिंग ए सेविंग डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट को हमने सेव किया है उसको ओपन करने के लिए टू ओपन ए सेव डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने ओपन करने के लिए फॉलो दिस स्टेप। क्लिक द फाइल टैब, फाइल टैब पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक ओपन ऑप्शन, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। उसके बाद हम ओपन डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द फाइल टू ओपन, उसके बाद फाइल को सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ओपन बटन। फिर क्लिक ओपन बटन पर हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार ओपन बॉक्स पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर फाइल की नेम शो होते हैं। इसमें से जो भी फाइल हमें ओपन करना है उस पर क्लिक करके हमें ओपन पर क्लिक करना है। इस प्रकार हमारी वो फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। यू कैन प्रिंट अ डॉक्यूमेंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, आप अपने डॉक्यूमेंट को पेपर शीट में प्रिंट करवा सकते हैं। फॉलो दिस स्टेप। क्लिक ऑन द फाइल टैब, सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट बॉक्स हमारा अपीयर्स हो जाएगा। इस प्रकार का हमारा प्रिंट बॉक्स रहेगा। देन सेलेक्ट द अवेलेबल प्रिंटर, फिर हम यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारा प्रिंटर नेम होगा वहाँ से हम प्रिंटर नेम को सेलेक्ट करेंगे। इनपुट नंबर ऑफ कॉपी ऑफ प्रिंट, फिर जितनी कॉपी हमें चाहिए उतनी कॉपीज पर हम क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द प्रिंटर सेटिंग, उसके बाद हम प्रिंटर की सेटिंग यहाँ से हम करेंगे एंड सिक्स क्लिक द प्रिंट बटन। उसके बाद लास्ट में हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे। अ प्रीव्यू ऑफ पेपर विल डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ प्रिंट ऑप्शन, ये हमारा प्रिंट ऑप्शंस में ये स्पेस में हमारे टेक्स्ट किस प्रकार के लिखे गए हैं, सेटिंग कैसी है, ये हमें प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा हो जाता है। तो इस प्रकार हम प्रिंट पर लास्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्जिस्टिंग एम एस वर्ड से बाहर आना। आफ्टर ऑल वर्क इन डन यू कैन एग्जिस्ट फ्रॉम एम एस वर्ड प्रोग्राम, सभी वर्क कंप्लीट होने के बाद एम एस वर्ड प्रोग्राम से हम बाहर आ सकते हैं। टू एग्जिस्ट एम एस वर्ड फॉलो दिस स्टेप, एम एस वर्ड से बाहर आने के लिए हम निम्न स्टेप को फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल टैब, सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन एग्जिस्ट वर्ड ऑप्शन, उसके बाद हमारा लास्ट में एग्जिस्ट वर्ड ऑप्शन होता है उस पर हम क्लिक करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट सेव द फाइल एम एस वर्ड विल आस्क यू टू सेव, डोंट सेव और कैंसिल द डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन एंड एम एस वर्ड विल एग्जिस्ट। यदि अपने फाइल को सेव नहीं किया है तो एम एस वर्ड आपसे पूछेगा फाइल को सेव करने के लिए या डोंट सेव करने के लिए या डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने के लिए। देन द सेलेक्ट ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद एम एस वर्ड से आप बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार फाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम एग्जिस्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास आता है और ये ऑप्शन हमसे पूछता है कि हमें डॉक्यूमेंट सेव करना है या नहीं सेव करना है या फिर कैंसिल करना है। और इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम एम एस वर्ड से बाहर आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कीवर्ड शॉर्टकट। क्लास थर्ड के लिए एम एस वर्ड में ये शॉर्टकट की यूज़ होते हैं, कंट्रोल प्लस एंड न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इससे हम कीबोर्ड की मदद से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ, ओपन सेव डॉक्यूमेंट, इससे हम सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस, सेव द डॉक्यूमेंट, हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, इससे हम अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हुए सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी, प्रिंट डॉक्यूमेंट, जो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं उसकी हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एंड अल्ट प्लस F4, इससे हम कीबोर्ड की मदद से एम एस वर्ड से बाहर आ सकते हैं। क्विक रिव्यू, एम एस वर्ड के चैप्टर्स फिनिश होने के बाद इसके टू द मेन पॉइंट्स हम एक बार वापस देखेंगे। टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन वर्ड वी यूज़ न्यू कमांड फ्रॉम फाइल टैब।
एमएस वर्ड में न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम फाइल टैब्स में न्यू कमांड पर क्लिक करते हैं। व्हेन वी स्टार्ट एमएस वर्ड एंड आई से साइन ब्लिंक इन द ब्लैंक स्क्रीन इट इज़ कॉल्ड कर्सर। जब हम एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं और वहां पर हमें एक लंबी सी लाइन ब्लिंक करती हुई दिखती है ब्लैक कलर की, उसे हम कर्सर कहते हैं। द टेक्स्ट वी टाइप मस्ट बी सेव द फर्दर यूज़। जो भी टेक्स्ट को हम टाइप करते हैं उसे हमें आगे यूज़ के लिए सेव करना चाहिए। वी कैन ओपन ए सेव डॉक्यूमेंट विथ ओपन कमांड इन द फाइल टैब। हम अपने सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को फाइल टैब में जाकर ओपन कमांड से खोलकर देख सकते हैं। टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर वी यूज प्रिंट कमांड। टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर वी कैन प्रिंट कमांड। हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकाल सकते हैं शीट पर, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को पेपर शीट पर निकाल सकते हैं। आफ्टर ऑल वर्क इज़ डन वी यूज एग्जिस्ट कमांड टू एग्जिस्ट फ्रॉम वर्ड प्रोग्राम। सभी वर्क कंप्लीट होने के बाद हम एग्जिस्ट कमांड का यूज़ करके एमएस वर्ड प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बुक के सॉल्व क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।